तो है कुत्ते का मुंह बंद करो, अमामा सर पे ना करो। लेकिन कुरान कहता है इजाजत है लब सारो, इस्लाम की दुआ के पथरा दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजी अल्लाह है, अली रजी अल्लाह तो रसूल का लिबास का असर है। अगर अली को रजी अल्लाह कहना है तो रसूल नबी को भी जो है रसूलुल्लाह रजी अल्लाह कहो। यहाँ एक और जुमला कहता हूँ, मेरे जहन में आ रहा है, बहुत बड़े इत्तेबाब है। देखिए मीजान सुन लेना जो बलागत से, जितना बड़ा आलिम होगा इतना बड़ा बहादुर होगा, जितना बड़ा बहादुर होगा इतना बड़ा साबिर होगा। ये ऐसा मीजान है, तो है जितना बड़ा आलिम होगा। या तो मेरे मौला अली ने मेंबर से कहा जक्कनी रसूलुल्लाह जक्कन जक्का, जक्कन वहां इस्तेमाल होता है कि परिंदा जब वो खुराक बच्चे के लिए आता है वो कटौती नहीं करता, जैसे वो कीड़ा मुंह में लेता है इसी तरह बच्चे के मुंह में दे देता है। और जक्कन वहां इस्तेमाल होता है कि उसके सी उसके बेटे में हजम करने की सलाहियत भी हो। या तो अली ने कहा जक्कनी रसूलुल्लाह जक्कन जक्का कि मुझे अल्लाह के रसूल ने जक्कन जक्कन इलम दिया, जितना अल्लाह के रसूल के पास इलम था बगैर कटौती के उन्होंने मुझे दे दिया। तो या मेरे छठे इमाम फरमाते हैं अम्मी अब्बास जक्कन इल्म जक्कन जक्का, मेरे चचे अब्बास को तीन मासूमों ने अली ने हसन ने हुसैन ने तीन मासूमों ने जक्कन जक्कन बगैर कटौती इल्म दे दिया। तवज्जो है, तीन मासूमों ने जक्कन जितना भी इल्म था कुछ बगैर कटौती के दे दिया है। तो जितना बड़ा आलिम होगा इतना बड़ा बोलो बहादुर भी होगा ना। आओ जरा मैदान सफीन में देखो, ये तो देन में है कि मासूम का लिबास गैर मासूम नहीं पहन सकता। आओ जरा मैदान सफीन में, एक शख्स कुरैब नामी मैदान में आया जो 10,000 घोड़ सवार का मुकाबला करता था। 10,000 घोड़ सवार से उसने आकर रिज पड़ा कि मैं या तो लड़ूंगा 10,000 घोड़ सवारों से लड़ूंगा, अगर 10,000 घोड़ सवार अली के पास नहीं है तो फिर अली मेरे मुकाबले में आए, तो फिर अली मेरे मुकाबले में आए। अब क्योंकि 10,000 तो घोड़ सवार नहीं थे, मौला अपने खैमे में गए, किसको बुलाया, इन्नल अब्बास तवीलन जमीलन वसीमन। यरकबो अलल अलल फर्श अल मुतहमे, मोटे ताजे घोड़े पे लंबा था, बहुत खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत था, वसीम भी था, घोड़े पे सवार किया। वह यखताओं ने अल्लाह जब वो जेब जो है ना रकाब से पांव निकालते थे जमीन पे खत बनता था आए मासूम का लिबास गैर मासूम नहीं पहन सकता। अब्बास की शख्सियत पे उंगली उठाने वाला और जैसे माँ ने जन्ने के बाद चाटा भी नहीं वो भी अब्बास की शख्सियत को देख रहा है। अली ने अपना अमामा अब्बास के सर पे रखा, अब्बास का अमामा अपने सर पे रखा, अपनी नारायण अली को नारायण अब्बास को पहनाई, अब्बास की नारायण खुद पहनी, अपना लिबास अब्बास को दिया, अब्बास का लिबास खुद पहना, अपनी जुल्फकार तलवार कि जो नस्लों का भी लिहाज रख दी है नस्लों का वो भी अब्बास को दी, क्योंकि अब अली बनाकर जाना था ना, अगर उसको एक लम्हा भी फर्क पता चल जाता ये अली नहीं है तो वो कहता मैं नहीं लड़ता, पूरा अली बनाया। दोनों बाप बेटे चेहरे पे नकाब लेकर जा बाहर निकले ना बाहर निकले, इससे ज्यादा मेरे पास लफ्ज कोई नहीं है, अली अब्बास बन गया, अब्बास अली बन गया। तो है दोनों बाप बेटे चेहरे पे नकाब, अली अब्बास बन गया, अब्बास है, अगर अली रजी अल्लाह है तो अब्बास भी रजी अल्लाह है, क्योंकि मासूम का लिबास तो मासूम पहन सकते गैर मासूम पहन ही नहीं सकता। जब गए उसके सामने एक लम्हा में उसके दो टुकड़े कर दिए, जितना बड़ा आलिम होगा इतना बड़ा बहादुर होगा। जब दो टुकड़े किए मौला ने पीछे से नकाब उल्टा कहा बेटा वापस आ जाओ किसी बद नजर की नजर न लगे। तो जो फरमाए आप वापस चलते हैं।